सुनो, एक ग्लास पानी देना। क्या? एक ग्लास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए ग्लास पानी ले आऊं। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर दसों नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। मालिक, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना, नादान है, बच्ची है। गलती हमारी है मुनीम जी, हमने ऐसी लड़की को काम करने को कहा जिसे काम करने की आदत ही नहीं है। बड़े भैया पानी। नकुल वो ट्रैक्टर रिपेयर करवा लिया ना? जी करवा दिया। इसे मैं फेंक देता हूँ बड़े भैया, आप जाइए। मुनीम जी, जो राम प्रसाद की बेटी की शादी के लिए जेवर देने के लिए कहा था भिजवा दिया। जी हाँ मालिक। शहर में रहकर यही बदतमीजी और ओछी हरकतें सीखी आपने? अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता आपको? किससे कह रहे हो तुम? आपसे कह रहा हूँ, औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखे। मीना, तुम अंदर जाओ। पागल हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाती हो? इतने ऊंचे घराने की बहू होकर ऐसी नीच हरकत, शर्मे आई तुम्हें? कौन सा ऊंचा घराना ये, यहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके गुलाम। मीना चिल्लाइए मत, आप मेरी सास नहीं है। जिस तरह आप इस घर की बहू है वैसे मैं भी हूँ। बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं, मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं। अनएजुकेटेड इडियट्स। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एन इलिटरेट, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ वुमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई कल्चर, माई कस्टम्स, माई ट्रेडिशंस एंड माई वैल्यूज, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर एवर फॉरगेट दैट आई एम एन इंडियन वुमेन। मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है, उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, मर्द को ब्याह कर बोनी ले जाती है। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत के शरीर की बनावट नहीं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है तब उसके कंधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है, लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है तब उसके कंधों पर एक नहीं दो परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। आज जिस तरह तुमने नकुल को तमाचा मारा है, अगर उसी तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? कभी सोचा तुमने? क्या बात है मीना? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, मीना कह रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। हमने सोचा कि दो चार खरी खोटी सुनाने से ही सीखेगी, तो सुना दिया, बस रोने लगी। क्यों अर्जुन, हमें तुम्हारी बीवी को डांटने का भी हक नहीं? क्यों नहीं, आप हमारी भाभी माँ हैं, आप मार सकती हैं, डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने भूल की जो मैं लोगों के बीच आ गई, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जब देखो तो सब मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं कब से रो रही हूँ तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। बेकार रो रही है तो कौन पूछेगा? अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ? अरे बेकार तो तुम हो गए अपने परिवार के बीच में रहकर।
मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो के सुनी नहीं रहे हो। इंसान की चीख सुनकर लोग शुभ अशुभ का विचार करते हैं, लेकिन जब मेंढकी को जुकाम होता है उसकी चीख की कोई परवाह नहीं करता। ये मत भूलो कि जब मेंढकी चिल्लाती है तो आंधी और तूफान आते हैं। आंधी और तूफान आएंगे तो उसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे। हमारी मीना बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन उसमें अभी भी बचपना है। हमारे तौर तरीकों को नहीं जानती है ना, लेकिन आस्ता आस्ता हम उसे सब सिखा देंगे। बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती है। जाना भी चाहिए, चार पांच महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी इसे। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं, तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की चार दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गांव की रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम। ये तो तुम्हारा फर्ज बनता अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ। सिखाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया, ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती, इसलिए भेज रहा हूं। अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर डाला। बड़े भैया, बात यह है कि मैंने मीना को, तुम बहुत समझदार भी हो गए हो ना, तो फिर तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए, अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही है तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन, मेरे दर पर तुम तड़प उठोगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही मां की संतान है, खून का रिश्ता है हमारा, मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो पराए घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती है, परछाई बन जाती है हमारी। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है, पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती है। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमाने हो जाते हैं। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ाओगे तो यह गांव, यह समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरा सोचो अर्जुन, न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुनीम जी। जी मालिक। जायदाद के दस्तावेज लाइए। जी अभी लाया। बहू, पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। हमारे पुरखों ने कुल धर्म पत्नी के बारे में कहा है, जो पति के काम में उसकी मददगार हो, उसे अच्छी सलाह दे, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह उसे खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच मर्द का मुकद्दर बनाती है, वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ढेर बना देती है। मालिक, ये जायदाद के दस्तावेज है, हमारी जमीन जायदाद कहां कहां है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। लक्ष्मी जी, अपनी चाबी व गुच्छा और यह कागजात बहू को दे दो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो, तुम जहां कहोगी जिस कागज पर कहोगी, हम तीनों भाई चुपचाप आंख बंद करके दस्तखत कर देंगे, कैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। बस एक ही विनती है बहू, हम तीनों भाइयों को अलग करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना।
किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मीना, मनी जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। घबराने की कोई बात नहीं, ये मां बनने वाली है। लोग यहीं ठहरिए, मैं ठाकुर साहब से मिलकर आता हूं। डैडी, डैडी, कैसी हो बेटी? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, पाए लागू। संधि जी, आप अचानक यहां कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आज कैसे करूंगा? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपॉइंटमेंट ली है? कल सुबह 11 बजे सर। इनकम टैक्स केस का वकील ने कहा है कि 15 तारीख की हियरिंग में मामला क्लियर हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का माल जापान के लिए जहाज से रवाना हो जाएगा ना? जी हाँ सर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीनानाथ जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं आपकी संस्था के लिए गवर्नर साहब से बात कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। अरे गोपीनाथ जी, होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। डैडी, गुड मॉर्निंग। डैडी, गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके ओके, बाय। पास में ही फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अब इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप? भोजन तो करते जाइए। माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकता। शहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं? शहर में रहूं या गांव में, मैं अपनी परंपरा और संस्कार कैसे भूल सकता हूँ? आखिर मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। अच्छा, चलता हूँ। अजी, कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ऊंचा नहीं हूँ कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूँ। ठाकुर साहब, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस मंदिर जैसे पवित्र घर में बहू बनकर आई, और फिर आपकी छत्र छाया में तो वो कुशल हो गई। राम राम। राम राम। बेटे, जिस तरह तुम मैके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंडेड 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 माइंडेड। अरे मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने आप जैसे देवता का अपमान किया है, आपका दिल दुखा है, मुझे माफ कर दीजिए। बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए। बड़े भैया,
बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर तरस खा कर मुझे माफ कर दीजिए। चलो तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, इससे बच्चे पर असर पड़ेगा बेटे। मैं आपकी भी दोषी हूँ दीदी, आपने जेठानी की जगह माँ बनकर मेरी गलतियों को बर्दाश्त किया और मैं अब भागन आपकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अब चुप भी हो जा, तो हमने कब तुम्हारी बात का बुरा माना? हाँ रोते नहीं, रोते नहीं।